हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे और जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो लोगों को रोजगार देने में महारत हासिल किया हुआ है। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 से 4 चीजों में कभी भी मंदी नहीं आती। पहली बात हम करें अनाज। अनाज का काम हमेशा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, क्योंकि इंसान है तो अनाज खाएगा ही खाएगा। और दूसरा जो रोजगार है वो है दवा। पहला दाना हो गया, अनाज हो गया, दूसरा हो गया दवा। अगर आदमी बीमार है तो उसको दवा चाहिए ही चाहिए। तो दूसरा जो दवा का रोजगार है वो भी बहुत ही ज्यादा बूम करता है। और तीसरा है दारू। दारू भी लोगों को बहुत जरूर चाहिए। ड्रिंक भी लोग करते ही करते हैं, चाहे जितना भी महंगा हो जाए, लोग जो पीने वाले हैं वो पिएंगे ही पिएंगे। अगली चीज, जो चौथी चीज आती है, वो आती है सब्जी का काम। अगर आदमी अनाज खा रहा है तो उसके साथ साग और सब्जी चाहिए ही चाहिए। और भी चीजें जरूरी है, लेकिन ये 4 चीजें जो है इनमें कभी मंदी नहीं आती। तो आइए हम समझते हैं कि आज हम जिस रोजगार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा रोजगार है जिसमें हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और बहुत अच्छा एक प्रोफेशन भी माना जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल स्टोर केमिस्ट के बारे में। आइए हम समझते हैं कि केमिस्ट खोलने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं और केमिस्ट में हम 50 से 60% ज्यादा का इनकम कमा सकते हैं, लाखों रुपए महीने का इनकम कमा सकते हैं। उन सारी चीजों की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम एक व्यक्ति को 6 महीने के अंदर, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, हमें सिर्फ 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से पास किया हुआ बंदा चाहिए, उस व्यक्ति को हम 6 महीने के अंदर में इतना ट्रेनिंग देते हैं कि वो पूरी तरह से एक बिजनेस को करने के लिए, एक मेडिकल लाइन के बिजनेस को करने के लिए परिपूर्ण हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है, आवश्यक शर्तें क्या होती है, जिसके बारे में हम समझेंगे। साथियों, जब भी कभी हम किसी मेडिकल स्टोर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की बात करें तो हमें ऐसा लोकेशन चाहिए। हम सबसे पहले लिख देते हैं लोकेशन कैसा चाहिए होगा। लोकेशन फुटफॉल, जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फुटफॉल हो वहां पे हमें किसी मेडिकल स्टोर के लिए एक जगह देखना चाहिए, एक शॉप देखना चाहिए, या फिर अच्छी मार्केट हो जहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा बनता हो और साथ में लोगों का जो कंजेस्टेड एरिया है वहां पे बहुत अच्छी तरह से मेडिकल स्टोर चलता है। मेडिकल स्टोर जो है बहुत ही फायदेमंद सौदा होता है, बहुत ही फायदेमंद रोजगार है। इसके माध्यम से हम लाखों रुपए से ज्यादा का इनकम कमा सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं भी है तो हमारे पास वो रोजगार है जिसके माध्यम से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपना भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और एक मेडिकल स्टोर फ्रेंचाइजी बिजनेस भी ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम भी कर सकते हैं। तो आइए हम समझ रहे हैं कि एक मेडिकल स्टोर को के लोकेशन को चुनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। जहां पे मैक्सिमम फुटफॉल हो, लोगों का आना जाना ज्यादा हो, चौराहा हो सकता है, जहां पे अच्छी मार्केट हो सकती है, उस लोकेशन को चूज करना चाहिए। एक शॉप को बहुत ही अच्छे लोकेशन पर चूज करके हम अब उसको देखते हैं कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि कितने स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा, हाइट क्या चाहिए, वर्थ क्या चाहिए, ये सारी चीजें के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, हमें जब लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा तो मैक्सिमम फुटफॉल एरिया को सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात हम आते हैं कि एक मेडिकल स्टोर के लिए कितनी एरिया की जरूरत पड़ती है। तो मिनिमम की हम बात करें, एरिया की बात करें तो हमें एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जो मिनिमम एरिया चाहिए होता है, वो चाहिए होता है 110 स्क्वायर फीट प्लस की एरिया चाहिए जहां पे हम एक रिटेल शॉप खोल सकते हैं। देखिए, मेडिकल स्टोर दो तरीके से चला जाता है, एक रिटेल और दूसरा होलसेल। तो आज हम समझने वाले हैं रिटेल के बारे में। एक रिटेल शॉप खोलने के लिए हमें मिनिमम जो है 110 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं उस शॉप की, उस दुकान की हाइट क्या होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें एक मिनिमम जो शॉप की हाइट चाहिए होती है मिनिमम हाइट की बात करें तो हमें चाहिए
9 feet प्लस मिनिमम जो है 9.3 होता है, लेकिन हम 9.5 feet मान के चलते हैं, 9.5 feet प्लस का जो हाइट होना चाहिए तब हमारा दुकान पास हो सकता है, ड्रग जो इंस्पेक्टर जो होते हैं वो पास कर सकते हैं, जो ड्रग कंट्रोलर की जरूरत होती है। और हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है उसके बारे में बात करें, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, हमें एक मेडिकल स्टोर चलाने के लिए उसे ड्रग कंट्रोल से रजिस्टर कराना होता है, ड्रग लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी होती है, तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या किस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है उसके बारे में बात करें, तो हमें कम से कम डी फार्मा डिग्री होल्डर या बी फार्मा डिग्री होल्डर या एम फार्मा डिग्री होल्डर भी चल सकता है। तो मतलब कि मेडिकल स्टोर चलाने के लिए हमें एजुकेशनल जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, एम फार्मा बी फार्मा या एम फार्मा। यदि आपके पास इतना एजुकेशन नहीं है तो आप इनको हायर भी कर सकते हैं। साथियों जैसे कि हमें एक मेडिकल स्टोर चलाने के लिए इन डिग्री की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आप किसी को, अगर आपके पास इतना एजुकेशन नहीं है तो आप इस ऐसे व्यक्ति को हायर भी कर सकते हैं जिनको जो वर्किंग आर है उसमें वहां पे मौजूद होना जरूरी होता है। तो हमें एक मेडिकल स्टोर चलाने के लिए जो मिनिमम एरिया चाहिए होता है 110 square feet चाहिए होता है, मैक्सिमम मिनिमम हाइट जो चाहिए होता है शॉप की वो जो चाहिए होती है 9.5 feet प्लस की होनी चाहिए होती है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डी फार्मा बी फार्मा और एम फार्मा व्यक्ति कर सकता है। तो इसके साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एक मेडिकल स्टोर, एक रिटेल मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें इन सारे चीजों को पूरी करने के बाद एक फाइल तैयार करके अपलोड किया जाता है ड्रग कंट्रोल के डिपार्टमेंट में, ड्रग कंट्रोल के साइट में, उसके बाद से वहां से जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं इन्वेस्टिगेट करके उस दुकान को पास करते हैं, उसके बाद हम जो है इस मेडिकल स्टोर को चला सकते हैं। एक मेडिकल स्टोर चलाने के लिए आपके शॉप में एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का होना भी जो जरूरी है, मतलब एक हमें फ्रिज भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें हम वैक्सीनेशंस, इंजेक्शंस और कुछ इंसुलिन की दवाइयां रख सके, और कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पे रखा जा सके तो एक बहुत ही सेपरेट एरिया होना चाहिए जहां पे ये सारी चीजें रखी जा सकती है। साथियों यदि आप लोगों को मेडिकल लाइन पसंद हो तो आइए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, इसके माध्यम से आपको मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल स्टोर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जिसके माध्यम से आप अपना एक बहुत ही सुनहरा करियर बना सकते हैं मेडिकल लाइन में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है।